नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बंगाल में जहां इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो वहीं असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा के रुझान आ गए हैं और अभी तक टीएमसी के खाते में 53 और बीजेपी खाते में 47 सीटें आई है और ये सभी शुरुआती रुझान ही हैं और कोई भी नतीजा नहीं है। देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में मार्च और अप्रैल के महीने में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और आज तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि अगले 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में किसकी सरकार होगी, कौन राज करेगा। कोरोना काल के बीच ये चुनावी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही है और ऐसे में आज सभी 5 प्रदेशों के लिए मतगणना जारी है। तो आपको बता दें कि आज 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना जारी है। आज चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई हैं वो है पश्चिम बंगाल राज्य, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की लेफ्ट और कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा से सीधी टक्कर है ममता बनर्जी की। तो ज्यादा एग्जिट पोल्स में भी यही अनुमान जताया जा रहा है कि भाजपा इस बार ममता को बराबरी पर रोक सकती है। तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस है वो दोनों की जो उनका जो आमना सामना है बराबर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग की मतगणना जारी है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 61, टीएमसी 79, तो वहीं पर कांग्रेस लेफ्ट अभी 0 है। और साथ ही साथ केरल में देखें तो केरल में भी LDF 17 और UDF 6, NDA 1। तो लगातार आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पार्टियां हैं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि असम में 126 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसके परिणाम आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 292, पुडुचेरी में 30, केरल में 140। तो इन सीटों पर आज चुनाव की जो मतगणना है वो जारी है और आज इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं पर असम में 26 पर सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, तो वहीं पर तमिलनाडु में 49 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। और बात करें पश्चिम बंगाल में बता दें वो तृणमूल 83 पर चल रही है, तो जबकि बीजेपी 81। देखिए जो मुकाबला है बराबरी का, यहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा है, टक्कर यहाँ बराबर की है जो कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़ी हुई है और इनकी जो सीटें हैं वो लगभग बराबर पर आ चुकी हैं। तृणमूल 83 पर है जबकि बीजेपी 81। अभी यहाँ पर तृणमूल बीजेपी से आगे होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर असम की बात करें तो असम में देखिए कांग्रेस 6 पर है, बीजेपी 19। तो यानी असम में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋषा जी। अनिल जी, जिस तरीके से 5 राज्यों के दो चुनाव के नतीजे हैं वो आज आने वाले हैं, मतगणना जारी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल है वहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि फिलहाल जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, वो आगे है बीजेपी से। बीजेपी फिलहाल 81 पर है और तृणमूल 83 पर पहुंच चुकी है, यानी अभी फिलहाल जो मुकाबला है वो बराबरी का है। क्या कहेंगे? नेक टू नेक फाइट है और अभी जो पहले जो 5 राउंड हैं उसमें बीजेपी निश्चित रूप से काफी आगे थी तृणमूल से, लेकिन जो बाकी की जो 3 राउंड हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जाता है कि उसमें टीएमसी आगे है। तो अभी मुझे लगता है कि ये फासला बढ़ेगा धीरे धीरे, टीएमसी आगे निकलेगी और बीजेपी बहुत रिमार्केबल अपनी उपलब्धि दर्ज कराएगी। जो एग्जिट पोल भी आए हैं जो विभिन्न एजेंसियों के, वो भी यही दर्शाते हैं कि बीजेपी 100 से पार जाएगी, 100-125 के बीच में रहेगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना निजी अनुमान भी है, एक पत्रकारिता का जो मेरा लंबा अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी
मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी, सरकार तृणमूल कांग्रेस ही बनाएगी। बिल्कुल, और जाहिर है जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा गया था एक्सिट पोल में कि बीजेपी 100 सीट पार करेगी, लेकिन फिलहाल की अपडेट ये हो गई है कि जो तृणमूल है वो 86 पर पहुंच गई है और बीजेपी अभी 83 पर है, यानी अभी 3 से 4 सीटों का जो फासला है वो यहाँ पर बरकरार है। और इसमें जिस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनिल जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा बना दिया था, क्योंकि जिस तरीके चाहे चुनाव छोटे हो या बड़े हो बीजेपी पूरे तमगा के साथ मैदान में आती है और लगातार की कोशिश रहती है, चाहे चुनाव कैसे भी हो उनकी तरफ से कोशिश होती है कि बड़े बड़े जो नेता है वो मैदान में आ जाए, चाहे वो पंचायत चुनाव क्यों ना हो उनकी एक तरफ से यही उम्मीद होती है कि हम इस सीट को हम ही जीतेंगे। जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से जो टीएमसी है वो लगातार वहां पर राज करती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से जो उम्मीदें थी जनता को वो उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आई, इसको लेकर बीजेपी ने आगे कदम बढ़ा, जिसने कहा बीजेपी ने कि हम इस बांग्लादेश को माफी चाहती है पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, जबकि टीएमसी ने कहा कि खेला होबे को लेकर उन्होंने एक रणनीति बना दी थी। खेल तो बराबरी का चल रहा था लेकिन साफ तौर पे जो हिंसाएं थी वो भी यहां देखने को मिली थी। अब जिस तरीके से खुद बीजेपी ने इस पश्चिम चुनाव को बना दिया था कि एक राष्ट्रीय चुनाव जिसे कहती है उसको लेकर उन्होंने बात कह दी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बीजेपी ने निश्चित रूप से जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे उसमें पश्चिम बंगाल को मुख्य आकर्षण का चुनाव क्षेत्र बना दिया था, और उसका मुख्य कारण है कि बीजेपी की लंबे समय से एक स्वप्न रहा है बीजेपी का कि बीजेपी की जो संस्थापक थे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पश्चिम बंगाल के ही थे, कोलकाता के थे, तो पश्चिम बंगाल को लेने की उनका जो प्रयत्न है वो आज से नहीं, जनता पार्टी जब 1977 में आई थी तब से ही चल रहा है। वो बीजेपी को ने बहुत मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, कोई चुनाव के समय मेहनत नहीं की है, वो लगातार बीजेपी की बड़े नेताओं की टीम वहां कैंप कर रही थी और उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे रखे कि जनता को अपनी ओर किया, एक बहुत बड़े मतदाताओं के वर्ग को अपने साथ किया, और जबकि बीजेपी का भी उस तरह से संगठन नहीं है जैसा कि तृणमूल कांग्रेस का है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सफलताएं बहुत दिखाई देंगी, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, नेक टू नेक फाइट दे रही है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह के रुझान भी यहाँ सामने आ चुके हैं, फिलहाल की अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल 89 पर है जबकि बीजेपी 87 पर है, अभी फिलहाल यही है कि जो टक्कर है वो बराबर की टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है अगर हम बात असम की बात करते हैं तो असम में फिलहाल जो कांग्रेस है वो 6 पर रुकी हुई है और बीजेपी 19 पर, क्या लगता है इस बार भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार ही बनेगी असम में? अभी जो एग्जिट पोल के पर यदि हम यकीन करें तो वोट शेयर बड़ी हैरानी की बात है कि वोट शेयर बराबर बराबर था बीजेपी का और कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे का, लेकिन सीटों में यदि उसको तब्दील करें तो बीजेपी उसमें वहां बहुत आगे कांग्रेस के मोर्चे से दिखाई देती है, तो इसलिए ज्यादा संभावना असम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फिर से सरकार बनाए जाने की है। जी बिल्कुल, अनिल जी एक और सवाल, जिस तरीके से उत्तर बंगाल की हम बात करते हैं तो उत्तर बंगाल में ये हुआ था कि लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं जिनमें 2019 में बीजेपी ने 7 सीटें अपने नाम कर ली थी, इस बार क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं अनिल जी? लोकसभा की बात अभी से करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, लोकसभा में भी जब चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उस हिसाब से तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दमखम है वो वहां देखने को मिल रहा है उत्तर पश्चिम में। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना आम जनता के बीच में आधार मजबूत किया है, पुख्ता किया है, आधार का विस्तार किया है, उसका लाभ उसको आगामी चुनावों में मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो यहाँ रुझान सामने आ रहे हैं पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे और इसको लेकर
सबकी निगाहें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जो टक्कर है कांटे की वो यहां देखने को मिल रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस है वो अभी कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो चुनाव के नतीजे हैं वो तो घोषित हो ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो वहां पर हिंसाएं देखने को मिली थी पश्चिम बंगाल में, वो काफी ज्यादा भयावह स्थिति वहां पर बन गई थी पश्चिम बंगाल में। और साफ तौर पर यह भी है अनिल जी, कि साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो अब फिलहाल मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था जिस तरीके से जो हिंसाएं देखने को मिली थी चुनाव के दौरान, अब वो हिंसाएं यहां पर नहीं देखने को मिलेंगी। क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ स्थिति बनेगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जागरूक हुए हैं और उन्होंने सख्ती बढ़ाई है, तो अब उसकी आसार अब बहुत कम है हिंसा होने के, क्योंकि भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति है। मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने जुलूस विजय जुलूसों पर भी रोक लगा दी है, आपको पता ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब जो सख्ती बढ़ी है उससे हिंसा को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में फिलहाल की अपडेट ये हो गई है कि अभी शुरुआती रुझान तो आई है, लेकिन 187 पर जो सीटें हैं उनके चुनाव के नतीजे वो आ गए हैं। तृणमूल 93 पर पहुंच गई है, बीजेपी 92 पर। टक्कर बराबर है फिलहाल, जो नतीजे हैं शाम तक आ पाएंगे, लेकिन जो मतगणना है फिलहाल जारी है और यहाँ पर अभी तृणमूल और बीजेपी की जो टक्कर है वो यहाँ पर बराबरी में देखने को मिल रही है। अनिल जी, अगर यहाँ पर मान लो फिर से अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है, ममता बनर्जी सीएम बनती है, तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके उत्साहित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को छवि है महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा अच्छी है? मुझे लगता है कि जो चूंकि मैंने तो वहाँ पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग जाकी की नहीं है और मुझे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल जो हुए हैं उसके आधार पर वहाँ जो बहुमत था मतदाताओं का लगभग 53% बताया जाता है, वह परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अपना मतदाताओं के बीच में एक अपना आधार बनाने में उसका अपने मतदाताओं की संख्या में विस्तार करने में निश्चित रूप से सफल हुई है। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल मतगणना जारी है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आज घोषित हो जाएंगे। और साफ तौर पर यहाँ पर जो प्रशासन है वो सतर्क है, कहीं पर कोई हिंसा की खबर ना आए, कहीं पर कोई हिंसा ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है वहाँ पर सख्त तैनात कर दिया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि जो प्रोटोकॉल दिया गया है कोविड-19 उसका पालना किया जाए। फिलहाल क्या कुछ इस तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर तृणमूल तो आगे आगे है ही, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी की जो टक्कर है वो दोनों के बीच बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल जी, लगातार जो उम्मीदें थी जनता को कि अब जो पश्चिम बंगाल को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा विकास के तौर पर, लेकिन अभी भी उनको लेकर इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो यहाँ पर सामने नहीं आए हैं, अभी और इनको इंतजार करना होगा। अनिल जी आप मेरे साथ बनी रहिएगा। तो बता दें आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। फिलहाल मतगणना जारी है और पूरी टीम लगी हुई है। जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में लगातार मतगणना जारी है, लेकिन अभी भी यहां पर तृणमूल कहीं ना कहीं आगे होती हुई नजर आई है और बीजेपी सिर्फ 1-2 सीटों से पीछे होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वोटों की गिनती वहां पर लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हालांकि 19-20 का अंतर जरूर देखा जा रहा है, कभी तृणमूल आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होती है। और अगर बात करें अदर और कांग्रेस की, तो वो तो कहीं से कहीं तक इस चुनावी रेस में नजर ही नहीं आ रही। आपको बता दें कि कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आखिरकार आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। ये तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, और बात कर ले अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में भी उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और उत्तराखंड में 1 सीट के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है।
हर राजनीतिक दल के लिए और उस जनता के लिए जिसने कोरोना की इस महामारी के बीच में अपने घर से निकलकर इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करने के लिए मतदान किया है। तो वही आपको बता दें, हमारे साथ में इस समय चर्चा के लिए बीजेपी से नेता सुमित गोदारा जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद अमन जी। जी सुमित जी, किस प्रकार से देखते हैं आज की इस मतगणना को? अगर पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, राजस्थान में उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी एक विधानसभा सीट के नतीजे आ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के नतीजे आ जा रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? और अगर बीजेपी की हम बात करें तो सबसे अहम पूरे देश की निगाहें इस समय सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सुमित जी पश्चिम बंगाल पर टिकी और वहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हुई, चुनावी प्रचार हुआ, उसका परिणाम जरूर आज कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जीत और हार अभी बहुत देर की बात है, लेकिन अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो एक कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। सुमित जी, अमन जी, पश्चिम बंगाल एक समय देश का सबसे विकासशील प्रदेश था जी, पर कम्युनिस्ट शासन और 10 साल ममता बनर्जी के शासन में व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सब वहां से पलायन कर गए। ये अवसर, ये चुनाव 2021 का, ये चुनाव बंगाल की अस्मिता, बंगाल जिस हिसाब से भारत को अग्रणी राज्य था उसको पुनः प्रथम पथ पर लाने के लिए बीजेपी ने ये प्रयास किया। और देखो, जिस तो राज्य में 2016 में मात्र बीजेपी के 3 सीटें थी विधानसभा की 282 में से, और आज भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। और आप देखिए, नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी, वो खुद पीछे चल रही है जी। ये बंगाल की जनता चुनाव का नतीजा दे रही है कि वो विकास, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसके साथ। और ना सिर्फ बंगाल, आप देखिए असम, पुंडीचेरी भी आज एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये देखिए, 5 में से 3 राज्यों में एनडीए की सरकारें बनने जा रही है। तो देश की जनता ने संदेश दिया है कि वो प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं और जिस विश्वास के साथ वो देश को आगे लेके जा रहे हैं, देश की जनता उन पर विश्वास हमेशा प्रकट करती रही है जब भी चुनाव के माध्यम से, कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है और देश के आम जन के हित के लिए मोदी जी जो निर्णय लेते हैं उससे भारत की जनता उन्हें विश्वास प्रकट करती है जी। लेकिन सुमित जी, अगर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और टीएमसी, और खास तौर पर बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और टीएमसी से ममता बनर्जी की साख का भी ये चुनाव देखा जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है वो एक अजय रूप में, जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ चुनावों की हम बात करें तो ये अजय जोड़ी के रूप में इन दोनों को देखा जाता है। और अगर यहां से बीजेपी हारती है तो ममता बनर्जी विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पर यहां पर देखी जा सकती है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। क्या कहते हैं सर आप? अमन जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रचार प्रसार, और जिस तरह वो मास्टर माइंड उनका है चुनाव की रणनीति में, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी जी, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता जिस हिसाब से तन मन से काम करता है पार्टी के लिए, तो पार्टी पूरे भारत में, आप देखो जिस प्रदेश में पार्टी का अस्तित्व नहीं वहां की पार्टी खड़ी है। और आपका ये कहना कि भाई ये साख, देखो पार्टी उस प्रदेश में सत्ता के में आ रही है जहां उसकी मात्र 3 विधानसभा सीटें थी। और गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता लोकसभा में अरिंदम चौधरी, वो वहीं से आते हैं और उनको देखो क्या हाल है कांग्रेस का ना, वहां पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी वहां गए। तो ये एक तरह से दिख रहा है कि बंगाल में क्या है, बंगाल में सब पार्टियां एक बात होकर ममता बनर्जी का सहयोग करें जी, पर फिर भी पूर्ण विश्वास है जिस तरह ममता बनर्जी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार आएगी और बंगाल जो इतने साल से पिछड़ेपन की ओर जा रहा था उसको पुनः विकास पथ पर आगे भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। आप देखिए, उत्तर पूर्व में सोनवाल साहब जो असम सरनौद सोनवाल असम के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देखो 5 साल में असम में कितना विकास करा और जो जो राज्य में जहां कहीं ना कहीं उग्रवादी घटनाएं होती बिल्कुल उनका समाप्त किया। और ना सिर्फ असम में,
बल्कि आप देखिए उत्तर पूर्व में भारत के अपने आजादी बाद पहली बार शांति हमने देखी है, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद पूरा उत्तर पूर्व शांत है, उत्तर पूर्व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपने आप को भारत के साथ जो कुछ भावनाएं वहां कांग्रेस के द्वारा की गई थी कि उस देश की मुख्य धारा से अलग रखा गया था विकास के नाम पर, वहां पर मोदी जी ने सबसे ज्यादा फोकस किया जी प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। उत्तर पूर्व की जनता ये समझ चुकी है, आप जिस तरह असम हो जिस तरह बंगाल हो उनको लग रहा है कि देश भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ना सिर्फ विकास में आगे रहेंगे बल्कि उग्रवाद पर भी कंट्रोल रहेगा, उग्रवाद को भी पीछे छोड़ेंगे और भारत एक सुरक्षित देश है। जी बिल्कुल सुमित जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है, हालांकि चुनाव 5 राज्यों में भी हुए हैं लेकिन जाहिर सी बात है सबकी निगाह इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो आने वाले 2024 के लिए हम कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस एक बीजेपी के अंदर बढ़ेगा। और कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश से हालांकि आते हैं वो, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने तमाम जो उनके साधन है, उन्होंने तमाम अपनी पूरी शक्ति उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगा रखी थी पिछले कुछ सालों से, तो कहीं ना सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि कई बीजेपी के दिग्गज नेता, उन लोगों का भविष्य भी कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल का चुनाव का जो नतीजा है वो तय कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा, ये इस भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान लगाता है पार्टी के लिए देश के लिए और बंगाल उसका उदाहरण है। जी आपने जो कहा कि पार्टी के नेता वहां लगातार रहे, यही तो हम पार्टी है, तभी तो पूरा देश विश्व की सबसे बड़ी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बड़ी, क्योंकि लोगों को विश्वास है ये पार्टी के जो आगे अग्रणी रहता है जो भी कार्यकर्ता है वो काम करते हैं सिर्फ पद के लिए नहीं। आप बंगाल में आप जब 3 सीट से आप सत्ता में आ रहे हो तो देश में एक उदाहरण है, और वहां पर जहां पर ममता बनर्जी द्वारा धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार करी है, आगे भी इस चुनाव में भी करी उन्होंने, पर भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जी उसी नारे के बल पर और कार्य के बल पर भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, असम में सिर्फ पुनः वो सरकार बनाने जा रही है और पुडुचेरी राज्य में, और दक्षिण में यदि कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है वहां पुडुचेरी है, वहां हमारे बीकानेर के सांसद वो केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल वहां जी प्रभारी रहे और उन्होंने बहुत शानदार कार्य कर वो दक्षिण के राज्य में दक्षिण के अपन यूनियन टेरिटरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल सुमित जी, और एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण के अंदर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें थोड़ी सी पिछड़ती नजर आई, भले ही वो चुनावी प्रचार का माध्यम हो या फिर कोई और चीज़ हम देखें, क्योंकि चुनाव है और इतना बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण को देखा जा रहा था, तो वहाँ क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही हार मान चुकी थी और उसने अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ केरल पर केंद्रित कर दिया था? आप देखिए केरला में भी कौन सी कांग्रेस की सरकार आ रही है, जी केरला में भी वही हाल है, विजयन साहब वापिस सरकार बना रहे हैं वहां पर, तो कांग्रेस तो एक तरह से आप देखिए हो इस क्षेत्रीय दल के रूप में भारत के कुछ राजस्थान में भी वर्तमान में मान लो छत्तीसगढ़ और पंजाब बस 2-3 राज्यों में ही कांग्रेस सीमित रह गई, ये इनकी नीति देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने ना सिर्फ विकास में देश को पीछे रखा बल्कि आप देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी इन्होंने लगातार भ्रांतियां फैलाई, आप राहुल गांधी खुद कोरोना वैक्सीन लगाई इन्होंने कहीं दोनों देश के सामने उदाहरण पेश करके, यही इसी नीति को आम जनता समझ चुकी है कि ये भारत के हित के लिए नहीं सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करते हैं, और जी पूरे देश में जो कांग्रेस का सफाया हो रहा है ये उसका नतीजा है। असम में भी आप देखो धार्मिक एक संगठन है बदरुद्दीन, उसके साथ इनका कोलिशन है हर जगह धर्म के नाम पर, चाहे केरला में इनका मुस्लिम लीग से रहता रहा, जी ये देश में धर्म की राजनीति भी किसी ने करी वो कांग्रेस ने करी और भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति करी, तभी देखो पूरे देश में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनमानस का जो भाव बढ़ रहा है वो कार्यशैली और कार्य देखकर और देश को देख रहा है किस तरह मोदी जी ने कोरोना काल में कार्य किया, आज भारत जैसे इतने विशाल देश में 16 करोड़ का वैक्सीनेशन होना ये छोटी बात नहीं, ये बात सही है कि कोरोना की स्थिति गंभीर है पर फिर भी जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑक्सीजन सप्लाई का अपने हाथ में कंट्रोल लेकर लगातार प्रयास किया प्लेन से ट्रेन से, वो पूरा विश्व भारत की मदद करने के लिए आ रहा है, क्योंकि तो
भारत में मोदी जी ने, भारत ने मदद करी उन देशों की जो जरूरत पड़ी, तो पूरा विश्व आज अपने आप को सोच रहा है कि हमें भारत की मदद करनी है। ऐसे नेतृत्व मोदी जी का है जिसकी वजह से पूरा न सिर्फ विश्व साथ दे रहा है बल्कि पूरा भारत में भी ये भावना बन रही है। ऐसे ऐसे मजबूत नेतृत्व है जिसका सिर्फ एक ही विचार कि भारत आगे बढ़े, भारत सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को साकार। जी बिल्कुल सुमित जी, खैर अब ये तो आने वाले जो चुनावी परिणाम है वही इस बात का अब निश्चय करेंगे कि जनता ने क्या कुछ सोचकर इन चुनावों में मतदान दिया है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए एक और तो कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं किसानों का भी आंदोलन कहीं ना कहीं इस चुनावी गिनती में कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा। खैर सुमित जी बने रहिए हमारे साथ, प्रेम शंकर पांडे जी नेता टीएमसी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेम शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। प्रणाम प्रणाम जी। और मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत भी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लखवीर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेम शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो तमाम एग्जिट पोल को यहां पर नकारते हुए से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक कांटे की टक्कर यहां पर जरूर देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे प्रेम शंकर जी? सर वेरी गुड मॉर्निंग जी। अभी मेरे सामने कोई वीडियो तो नजर नहीं आ रहा कि मैं बता पाऊं कि क्या रुझान चल रहा है क्या नहीं है, वो तो आप ही बता पाएंगे जी। मैं बिल्कुल प्रेम शंकर जी आपको मैं बता देता हूं, इस समय के अगर रुझान की बात करें तो तृणमूल अभी 137 सीटों पर आगे चल रहे हैं, भाजपा तृणमूल हालांकि प्लस है, भाजपा भी प्लस है, वो 110 सीटों पर है, कांग्रेस 6 सीटों पर है और अन्य का अभी खाता नहीं खुला है। प्रेम शंकर जी ये सर डे वन से हम लोग ये आश्वस्त थे और के टीएमसी वहां पर सरकार बनाएगी और ये तो दिन भर चर्चाएं चलती रहेंगी, पर चर्चाएं चलती रहेंगी कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन अंत भला तो सब भला और अंत भले का भला होता है और सिकंदर वही होता है जो चुनाव जीतता है। तो चुनाव जीत करके टीएमसी आने वाली है और हैट्रिक लगेगी ममता बनर्जी की, उनकी लोकप्रियता में न कभी कोई कमी रही है और न आज कोई कमी है। और इसके जैसा कि हमेशा से देखा जाता है कि जो भी 10 साल का शासन काल चलाता है, 10 साल के शासन काल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा जो जिसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई, लेकिन एकमात्र ऐसी जुझारू महिला, क्रांतिकारी महिला देश को देखने को मिलेगा जिसके प्रति वहां पर 67% से ज्यादा पॉपुलेशन वहां की जिन्होंने कहा कि नहीं मुझे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार है और वो एक अच्छी नेता है जी। ये इस बल पर मैं कह सकता हूँ, उनके काम के बल पर कह सकता हूँ, उनके लोकप्रियता के बल पर कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी पुनः सरकार बनाएंगे। और ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कोई धर्म का नारा देने वाला व्यक्ति और दूसरे को कहे कि ये जो है एपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। अरे एपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो वो भी है कि जो हमारे आराध्य हैं श्री राम हैं उनका नाम लेकर के मंचों पर जो है उद्घोष किया जाए, ये भी एक एपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। इसको बीजेपी स्वीकार करे, वो हम भी हिंदू हैं, भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन देश कभी नहीं माफ करेगा कि श्री राम के नाम को मंचों पर बेचा जाए। लेकिन प्रेम शंकर जी अगर भगवान श्री राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी उस भाषण को क्यों भूल जाते हैं जब उन्होंने भी मुस्लिम तुष्टिकरण की यहाँ पर बात करी थी, धर्म की बात तो उन्होंने भी करी है। और जाहिर सी बात है इसमें हम आज की इस चर्चा में धर्म को ना ही लाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने यहाँ पर धर्म की बात जरूर करी है। जहाँ पर आपने अभी आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर उन्होंने भगवान श्री राम का इस्तेमाल करा है, तो कहीं ना कहीं अगर चलिए उन्होंने करा भी है, आप खुद इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, तो फिर उस नाम के पीछे इतना झगड़ा क्यों? सर वही मैं कह रहा हूं कि भारत हमेशा से परंपरा रही है भारत की कि यहां पर जो है मतलब अनेकता में एकता रही है जी। यहां पर बसने वाले केवल एक जात और एक मजहब के लोग नहीं है, पूरे देश में वो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, ईसाई भी है,
तो प्रेम शंकर जी, क्या 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 प्रेम सर, शंकर जी, क्या सर, यही सर, क्या सर, यही वजह रही प्रेम शंकर जी? सर, मेरी बात बिल्कुल आपकी बात पूरी सुनूंगा प्रेम शंकर जी, लेकिन बीच में एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने कहा कि भारत की कह सकते हैं संस्कृति रही है, अनेकता में एकता की आप बात करते हैं, तो फिर मंच से ममता बनर्जी को ये चीज कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई? मुस्लिमों को तुष्टिकरण करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? उनको मुस्लिमों से अपील करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्या ये अनेकता में एकता की बात है? तो क्या पीएस पांडे उसको स्वीकार करेंगे? क्या किसी मंच पर सिख ईसाई जाकर सिख जाकर के वाहे गुरु का नारा दे तो वो जो है हमको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी एक धर्म की बात करके एक हमारे आराध्य का नाम लेकर के उनको मंचों पर बेचा जाना ये बीजेपी की फितरत रही है, और ये फितरत उनको इस बंगाल के चुनाव में आसाम की पॉलिटिक्स जो है उनकी जो चल रही थी और उनकी नीयत नहीं थी जो है धराशायी होगी, ये इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि टीएमसी आसाम को सरकार बनाएगी। बिल्कुल प्रेम शंकर जी, लेकिन जहां तक आप बीजेपी और भगवान श्री राम के उद्घोष की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो ये सालों से करती आई है, फिर इस बार क्या नया हुआ? अगर आप देखें तो अयोध्या का राम मंदिर जो कि अब बन रहा है, सालों से बीजेपी ने तमाम रथ यात्राओं के माध्यम से तमाम जहां जहां पर भी प्रचार किया है, भले वो चुनावी प्रचार हो, सुनिए सुनिए प्रेम शंकर जी, सुनिए प्रेम शंकर जी सुनिए, क्योंकि कई 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 मर्तबा ये बात हुई है, प्रेम शंकर जी सुनिए भी तो सही, प्रेम शंकर जी सुनिए भी तो सही, कई मर्तबा ये बात हुई है कि बीजेपी भगवान श्री राम के नाम का उपयोग करती है। तो बीजेपी कोई आज से कर रही है? बीजेपी तो जब से पार्टी ये बनी है, जनसंघ जब से था, तब से भगवान श्री राम के नाम को वो बोल रही है, भगवान श्री राम के वो उद्घोष कर रही है। तो अगर इस चुनाव में भी उन्होंने करा, तो ऐसी क्या नई बात क्या हो गई उसमें? उमंग जी, फोल्डेड हैंड आपसे रिक्वेस्ट, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि चुनाव के समय की बात हो रही है और मंदिर मस्जिद में जाकर के राम लेने की बात नहीं की जा रही है। अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो पीएस पांडे भी, डॉक्टर पीएस पांडे भी अपनी डॉक्टरी छोड़ करके और जो है श्री राम का नारा लगा रहे थे, लेकिन चुनावी मंच पर श्री राम का नारा देना एक वर्ग एक बहुसंख्यक पद की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कहलाती क्या? ये इनडायरेक्टली अगर कान पकड़ा जाए तो उसको कान पकड़ना नहीं कहते हैं क्या? जो डायरेक्टली कान पकड़ते हैं उसी को कान पकड़ना कहते हैं। चलिए प्रेम शंकर जी, ये तो सबकी अपनी अपनी चुनावी रणनीति है, खैर, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को सबने अपनी अपनी साख से यहाँ पर जोड़ दिया है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि टीएमसी भी यहाँ पर अपनी साख बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चलिए आपने ही अभी बोला कि आपके उधर अभी इस समय, सुनिए सुनिए प्रेम शंकर जी, आंकड़ों में बात करते हैं प्रेम शंकर जी, आंकड़ों में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट को ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था, और पहले राउंड की जो हम कह सकते हैं काउंटिंग खत्म हो चुकी है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने 1500 वोट की बढ़त बनाई है। ममता दीदी पीछे चल रही है पहले राउंड के बाद। सर ममता बनर्जी पीछे चल रही हो या आगे चल रही हो, अंत का चुनाव जो है ममता बनर्जी के पक्ष में जाएगा, और मैं उस बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी संन्यास लेंगे अगर आज ममता बनर्जी हारेंगी? चलिए तो उन्होंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल नहीं हराऊंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। प्रेम शंकर जी, ये तो देखिए, आप भी जानते हैं, आप भी राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये आप भी जानते हैं कि चुनावों के समय जो भी बातें की जाती हैं, जो भी चैलेंजेस लिए जाते हैं, वो कितना कौन पूरा करता है वो आपको भी पता है। कई दावे टीएमसी के नेताओं ने भी करे हैं। खैर, आपका जवाब ले लेते हैं, आपका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रेम शंकर जी, हमारे साथ में बीजेपी से जवाब तो ले लेते हैं प्रेम शंकर जी, हिम्मत हो बिल्कुल प्रेम शंकर जी, जवाब और उनको मैं 50,000 वोटों से नहीं हराऊंगा तो हम ही पॉलिटिक्स छोड़ ही दी वो। चलिए जवाब 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 ले लेते हैं प्रेम शंकर जी, बीजेपी से सुमित गोदारा जी हमारे साथ में बैठे हैं, उसके बाद मैं रुक करूंगा मेरे सहयोगी लखवीर की ओर। सुमित जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे प्रेम शंकर जी को? प्रेम शंकर जी को जवाब होता ही है, नतीजा आ जाए, नंदीग्राम से ममता जी बुरी तरह हार रही है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इन्होंने दूसरे विषय रखा जय श्री राम का नारे का, देखो भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? पर क्या आपने कभी राजनीतिक मंच पे भारतीय जनता पार्टी के कभी धर्म के नाम पर वोट का ये देखा कि सिर्फ एक वर्ग वोट दीजिए? जिस तरह ममता बनर्जी ने नारा दिया कि मुस्लिम वर्ग सारा एक साथ वोट देकर अपने टीएमसी को जीता है, क्या देश प्रदेश का मुखिया का ये धर्म बनता है इस तरह की बात कहने का?
आज तक ऐसी बात हमने देश में सुनी है कोई ऐसी बात कहते हुए मुख्यमंत्री? उन्हीं इसी नीति की वजह से देखो जो टीएमसी 2011 में 184 सीट पे थी, 2016 में 211 सीटें पे थी, 282 में आज वो वहां से हारने जा रही है और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारेगी। और ये देश की जनता, बंगाल की जनता पर जिन्होंने इतने साल पिछड़ापन देखा इन नेताओं के द्वारा, पहले कॉमरेडों के द्वारा और अब टीएमसी के द्वारा, और जो गुंडागर्दी वहां पर हुई, आप देखिए चुनाव में जितना वायलेंस होता है वो बंगाल तक ही सीमित रहा। आप देखिए बिहार यूपी यहाँ पे सब बंद हो गया पर बंगाल में आज भी चुनाव होते हैं तो चुनावी हिंसा होती है। क्या कारण? क्योंकि यहाँ पर इन दलों के द्वारा सदैव ही गुंडागर्दी को प्रोत्साहित किया गया जिसका हम चुनाव में देखते हैं। और यदि केंद्रीय बल वहां नहीं जाते तो पता नहीं भगवान ही जानता कितना बुरा हाल हो। ये तो पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ गुंडागर्दी और जो अपराधी तत्व है उन पर लगाम लगाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पश्चिम बंगाल है उसको विकास के पथ पर पुनः आगे लेकर आएगी। और जो इस तरह के टीएमसी के लोग जो इस तरह के बात करते आए हैं उनको जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। चलिए अपडेट कर देते हैं प्रेम शंकर जी आपको भी, सुमित जी आपको भी, हमारे तमाम दर्शकों को भी अपडेट कर देते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें और आंकड़ों के हिसाब से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है बहुत सही भी ये रहेगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो तृणमूल अभी रुझानों के हिसाब से हम बता दें कि 125 पर है, -54 से पीछे चल रही है। बीजेपी 120 पर है, +119 से आगे चल रही है। लेफ्ट 2 -65 से पीछे चल रही है। अन्य का चलिए यहां पर खाता तो खुला, 3 रुझान उनकी तरफ से भी आए। लखवीर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं मेरे सहयोगी स्टूडियो से। लखवीर क्या कहना चाहेंगे? आपने सुमित जी की भी बात सुनी, आपने प्रेम शंकर जी की भी बात सुनी, क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल का ये जो रण है, हालांकि नतीजे 5 राज्यों के आ रहे हैं लेकिन सबकी जुबान पर इस समय सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल और खासतौर से नंदीग्राम है, क्या कहना चाहेंगे लखवीर? देखिए उमंग, भले ही 5 राज्यों में आम चुनाव हो के परिणाम आ रहे हों, उपचुनावों के परिणाम आ रहे हों, लेकिन जाहिर सी बात है सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव परिणाम में केवल मात्र दहाई तक सीमित थी, कुछ एक सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, वो आज शतक लगाने की ओर अग्रसर है। तो ये साफ है भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हासिल हो कि नहीं हो, जो मिशन भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी सोनार बांग्ला का, कमल खिलाने का, वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात बीजेपी के लिए यह है कि फिलहाल जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर गई है और टीएमसी फिलहाल आंकड़ों में बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है टीएमसी की जो वरिष्ठ नेता थी, जो कद्दावर नेता थी, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो खुद नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। तो नंदीग्राम की सीट पर कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर थी, प्रतिष्ठा दांव पर थी, वर्चस्व दांव पर था, वो आखिरकार क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनावी रण जिस पर न केवल पश्चिम बंगाल की निगाहें टिकी हुई हैं बल्कि पूरे भारत देश के दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार परिणाम क्या होंगे। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो अपडेट्स में जो रुझान पहले दौर के सामने आ रहे हैं उसमें टीएमसी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। बहरहाल नतीजे क्या होंगे इसके लिए पूरा दिन बाकी है क्योंकि अभी तक केवल मात्र 2 या 3 चरणों के परिणाम सामने आए। लखवीर माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर हम बढ़त और घटत की यहां पर बात करें तो ठीक है, जाहिर सी बात है यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं रुझानों में अभी तृणमूल आगे चल रही है, 127 का आंकड़ा यहां पर तृणमूल का बताया जा रहा है और बीजेपी का 120 का बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम बढ़त की बात करें तो +119 से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और -54 से तृणमूल की घटत यहां पर दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे लखवीर? देखिए उमंग, इसमें स्वाभाविक सी बात है अभी जो आंकड़े हैं जो रुझान है वो आना बाकी है। तमाम कई सीट ऐसे भी है जहां पर पहले दौर के रुझान आए हैं, दूसरे दौर के रुझान आए हैं, तो ये जो तस्वीर है ये 11 बजे के बाद से एक सक्षम तौर पर आने लग जाएगी कि आखिरकार परिणाम क्या कुछ होंगे। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी उम्मीदें फिलहाल अटकी हुई है, उनकी भी सोच फिलहाल अटकी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वाकई में फिर से शब्द दोहराना चाहूँगा कि न केवल राजनेताओं की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर है, न केवल वो उनकी जो सोच है, उनकी जो तस्वीर है वो वहाँ पर टिकी हुई है, बल्कि दर्शक भी चाहते हैं, देश की जनता भी चाहती है कि जिस राज्य पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लगातार चुनावी रैलियां हुई, चुनावी प्रचार प्रसार हुए, दिग्गज राजनेता, देश के कद्दावर नेता जिस राज्य पर जाकर टिक गए,
आखिरकार वहां की जनता क्या जनादेश देती है, वहां की जनता परिणाम क्या देती है, इस पर सभी की निगाह है। और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो न केवल पश्चिम बंगाल की यूनिट बल्कि देश के हर कोने के नेता जिनका पश्चिम बंगाल में प्रभाव है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के कई प्रवासी राजस्थानी पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कमान संभाली हुई थी, बल्कि जातिगत आधार और क्षेत्रीय आधार के तौर पर भी देखा जाए तो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पश्चिम बंगाल में गए और उन्होंने चुनावी कमान संभाला। ऐसे में ये केवल राजस्थान की बात है, अगर और राज्यों की भी बात की जाए तो जहां पर जिन जिन सीटों पर प्रभाव था, जो जो जातिगत और क्षेत्रीय आधार बन रहे थे, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मौका दिया और अपने आप को प्रस्तुत करने का। बिल्कुल लखीर, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, राजस्थान की आपने बात करी तो राजस्थान बीजेपी के ऊपर बहुत हम कह सकते हैं कि न सिर्फ राजस्थान उपचुनाव का भार था बल्कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का भी भार था। प्रेम शंकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, रुझानों की अगर बात करें एक बार फिर से आंकड़ों से अपडेट कर देते हैं। तृणमूल 129 अभी आंकड़ा आ रहा है, रुझानों के हिसाब से बीजेपी का 120 है, लेकिन वही बात है, बढ़त की अगर बात करें तो 119 से बढ़त बीजेपी ने बना रखी है और -54 से घटत तृणमूल ने बना रखी है। और पहले राउंड की नंदीग्राम में जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है, वहां से 1500 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रेम शंकर जी, इन चुनावों के परिणाम आएंगे उसके बाद में अगर बात की जाएगी तो बार बार मैं इस शब्द का मैं इस शब्द को बार बार कर रहा हूं, साख का या फिर नाक का सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए पश्चिम बंगाल का ये चुनावी रण जरूर है। और जाहिर सी बात है, अगर तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है, हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तृणमूल अगर यहां से जीतती है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने की इस लड़ाई में ममता बनर्जी सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई देंगी। क्या कहना चाहेंगे प्रेम शंकर जी? उमंग जी, दो सीटों पर वहां पर चुनाव निरस्त हुआ जी, एक शेरपुर और जंगीगंज और शेरपुर जी, लेकिन 292 के आंकड़े में 147 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 147 के बाद चाहे वो जितनी भी सीटें आती हैं, वो जो सरकार बनाया वही सिकंदर कहलाता है जी। ये पूरी की पूरी कैबिनेट जहाँ पर पैसा पानी के तरीके से बहाया गया, जो पैसा जनता का पैसा था, उस पैसे को चुनाव का बंगाल का चुनाव जीतने के लिए सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके प्रचार मंत्री और शाम को आते ही कोरोना पर जो है देश के प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा वहां पर गवाया इस आपदा काल में जिसका कि कोई हद नहीं है। और आज लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, चाहे वो कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं। और हमारा आज मेरा मन दुखी है कि मेरा अमर उजाला में काम करने वाला उप संपादक, मेरा मित्र, कोरोना से आज उसकी देहांत की खबर आई है। ये कोरोना जिसके घर में जो बीजेपी के लोग भी उसी में मर रहे हैं, वो बताएंगे कि मतलब कोरोना के पीरियड में जो संसाधन सरकार को देश में उपलब्ध कर, ये अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि हमको चाइना मदद करेगा, हमको अमेरिका मदद करेगा। मनमोहन सिंह के सरकार में कहा गया था कि हमको अब विदेश से कोई सहायता नहीं लेनी है, भारत अपने पर जो है खड़ा होगा। ये अब हमारी स्थिति दूसरे देशों से भीख मांगने की आ गई है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये सर मानी चाहिए हमारे घर के। और मैं डॉक्टर होते हुए भी 1 महीना 15 दिन ऑक्सीजन पर रह करके आया हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा कोरोना के विषमता के बारे में कि एक कैसी भयावह बीमारी है। लेकिन आज भी ये जो है तलाशेंगे कि हम 30 से 37 सीट हो गए, 113 हो गए, और उसमें भी ये जो है आपदा में अवसर तलाश के जश्न मनाएंगे। ये ऐसी पार्टी है जो आपदा में भी जश्न मनाने के लिए तैयार बैठी है। मैं ऐसे पार्टी को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इनके, जो आदमी मंच पर श्री राम का नारा दे करके, अब मंदिर में कौन सा नारा दिया जाएगा, मंदिर में किसकी पूजा की जाएगी? जब मंच पर श्री राम की पूजा की जाएगी तो मंदिर में किस बात की पूजा की जाएगी? किस आराध्य को हम पूजेंगे वहां पर? किस लिए हमने अयोध्या का मंदिर बनाया है? वहां श्री राम का मंदिर बनाया है हमने पूजा करने के लिए। सारे हमारे लोग जाते हैं वहां श्री राम भजते हैं, मंच पर श्री राम नहीं भजा जाता। वो दिन को याद करें ये लोग जब इनके प्रतिक्रिया में
दूसरे लोग उतर करके मंच पर अल्लाह अकबर बोलेंगे, वाहे गुरु बोलेंगे, ओ माई गॉड बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे फिर, क्या करेंगे? ये परंपरा कौन सी परंपरा डाली जा रही है देश में? चलिए जवाब ले लेते हैं, सुमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेमशंकर जी सुमित जी भी लगातार बने, जवाब भी लेना चाहिए, सवाल आप कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर यहां पर आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि चुनाव आयोग द्वारा परिणामों के बाद में विजय जुलूस पर प्रतिबंध का फैसला जो था उसका स्वागत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कराया। और जाहिर सी बात है कोरोना की महामारी के बीच में चुनाव हुए हैं और देश की जनता ने कोरोना की महामारी, जैसा कि प्रेमशंकर जी आप भी बता रहे हैं, आपने भी इस कोरोना महामारी के इस दंश को झेला है और आपके ही जैसे कई और लोगों ने इस कोरोना महामारी की जो कह सकते हैं भयावहता है उसको बहुत करीब से देखा है। और इसी महामारी के बीच में जनता अपना नेता अपना भविष्य चुनने के लिए घर से बाहर निकली थी और कहीं ना कहीं अब असली जो परीक्षा की घड़ी है वो इसी जनता की है। वो उन्होंने जहां पर मतदान किया है, जिसको मतदान किया है, परिणाम आने के बाद में जनता का जो फैसला है जाहिर सी बात है वही सर्वोपरि रहता है। सुमित जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस प्रकार से भी प्रेमशंकर जी, खैर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे तब तक सवाल और जवाब का भी मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कहीं ना कहीं सुमित जी, किसानों का मामला हो या फिर अभी कोरोना महामारी का मामला हो, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार थोड़ा बैकफुट पर तो जरूर आई है? सुमित जी, उमंग जी, सबसे पहले तो मैं जो प्रेम जी ने बात की, आपने इनके जितने भी स्टेटमेंट सुने आपसे बात करते हुए, तो ये सिर्फ धर्म के ऊपर ही इनका केंद्रीयकरण रहा जी, तो ये इनकी नीति रही है, विकास के शब्द विजन कुछ भी नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट करना, ध्रुवीकरण करना, ये इनके विचार से आपको लग गया होगा, इसके अलावा इन्होंने कोई बात रखी नहीं, क्योंकि इनके विचार वहीं तक सीमित है, इनको पता उसी से इनको वोट मिलते हैं। रही बात प्रधानमंत्री जी की, देखो आप कोरोना काल में उन्होंने बहुत शानदार काम किया, आज भारत जैसे इतने बड़े विशाल देश में आप 15.5 करोड़ का वैक्सीनेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात, और हम लगातार सभी का यही प्रयास है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होए, और जून माह तक यदि हम वैक्सीनेशन में 40-45 करोड़ तक का वैक्सीनेशन करते हैं तो जरूर हम इस कोरोना की महामारी को भारत से भगा दें। और बिल्कुल ये बात कठिन समय आप ये बात कह रहे हो कि इतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन करना, देखो तो केंद्र सरकार ने एडवांस पेमेंट जुलाई तक करा और बाहर से वैक्सीन जो भी आ रही है उस पर ड्यूटीज है सब माफ करी है, तो केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार जो भारत की कंपनियां सेरम इंस्टीट्यूट हो चाहे भारत बायोटेक हो, इनकी लगातार चाहे रॉ मटेरियल में दिक्कत आई हो तो अफ्रीका से बात करके करना, वहां पर अप्रवासी भारतीयों का दबाव, प्रधानमंत्री जी का लगातार दबाव, केंद्र सरकार का, तो देखो पूरा विश्व भारत की मदद के लिए आ गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं, जैसे कोई भी कह रहे हैं विदेश की मदद, विदेश की गई, हमने सबकी मदद करी जी, हमने जब से कोरोना काल चला है 100 साल भारत ने सबकी मदद करी है पूरे विश्व की, और पूरा विश्व इस चीज का मान रहा है कि भारत ने सबकी मदद करी, तो पूरे विश्व का धर्म मानता है कि भारत की मदद करे, ये पूरे देश पूरे विश्व की भावना है, ये हमारी नहीं, हमने जो मदद की मोदी जी ने उस समय जिस तरह डिप्लोमेसी को उन्होंने करा, पूरा विश्व अपना कर्तव्य मान रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो सब समय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विश्व के लोगों की मदद करता रहे, जहां भी समय समय पर आपदा या विपदा आई है तो पूरा विश्व भी भारत के साथ खड़ा है, और हमें पूर्ण विश्वास है आगामी 1.5-2 महीने के अंदर इस कोरोना को भारत से हमेशा के लिए भगा देंगे प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल सुमित जी, और ना सिर्फ प्रशासन और सरकार ये चाहती है बल्कि अब आम जनता भी हम कह सकते हैं एक तरीके से यही सब तमाम अपनी दुआओं में अपनी प्रार्थनाओं में यही मांग रही है भगवान से अपने अपने इष्ट से कि ये कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिले और हम वापस एक नॉर्मल ट्रैक पर आए। खैर रुझानों की एक बार वापस से बात कर लेते हैं, जाने से पहले आपको बता दें कि इस समय बीजेपी 120 पर चल रही है, टीएमसी 129 पर चल रही है, लेकिन बढ़त और घटत की बात करें तो बढ़त तो यहां पर बीजेपी ने ही बना के रखी हुई है, टीएमसी अभी थोड़ा पीछे चल रही है। खैर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और 11 बजे के बाद में थोड़ी तस्वीर यहां पर साफ होगी कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी सत्ता के इस रथ पर सवार होती दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रेमशंकर पांडे जी आपका भी, सुमित गुदारा जी आपका भी, लखवीर मेरे साथ में मेरे सहयोगी स्टूडियो से जुड़े आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।